नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 जुलाई दिन शनिवार। आगे राजनीति जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पोती कात्यायनी के साथ नजर आए लालू, बीजेपी नेता ने नीतीश के सुशासन पर उठाए सवाल। नीतीश के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की चर्चा हुई तेज, चिराग ने पीएम मोदी के साथ बताए अपने रिश्ते। प्रशांत किशोर ने राजद पर साधा निशाना। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। पोती कात्यायनी के साथ नजर आए लालू। राज्य सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में लालू यादव अपनी पोती कात्यायनी को गोद में लिए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के अलावा और भी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, छोटे बेटे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री नजर आ रही। दरअसल ये तस्वीर राजश्री के जन्मदिन के मौके पर सामने आई है। लालू अपने परिवार के साथ अपनी छोटी बहू का जन्मदिन मना रहे हैं। बता दें कि तस्वीरें तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। तस्वीर शेयर करने के साथ ही उन्होंने कैप्शन में अपनी पत्नी राजश्री के लिए लिखा है, प्रिय आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विपक्षी एकता की चर्चा के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने सीएम नीतीश की तारीफ। फिल्मी दुनिया से राजनीतिक दुनिया का सफर करने वाले शॉटगन से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, नीतीश कुमार को कम नहीं आंका जा सकता है। वहीं विपक्षी दलों की एकजुटता और उनके गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा पहले कभी नहीं हुआ और बैठक के बाद इतना बेहतरीन नाम सामने आया है, जिससे सत्ता में बैठी एनडीए पूरी तरह चारों खाने चित हो गई है। वहीं आगे उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस जमाने में रहना है तो कोहराम मचाना होगा। विपक्ष के एकजुट होने से पूरे देश में मैसेज गया है और आने वाले समय में सत्ता में बैठे लोगों में कोहराम मचेगा, हमारा इंडिया जीतेगा। बीजेपी नेता ने नीतीश के सुशासन पर उठाए सवाल। बिहार के बेगूसराय से एक बड़ी ही शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां कुछ दरिंदों ने एक दलित नाबालिग लड़की को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की। इसका वीडियो जैसे ही सामने आया कोहराम मच गया। वीडियो वायरल होने के बाद लड़की के बयान के बाद चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। लड़की ने रेप करने का आरोप भी लगाया है। मामला सामने आने के बाद बिहार का सियासी पारा भी बढ़ चुका है। बता दें कि भाजपा नेता ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए नीतीश और तेजस्वी के सुशासन पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि बहुत ही शर्मनाक घटना है, इस पर बिहार सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, एफआईआर दर्ज कर जल्द से जल्द आरोपी को जेल भेजना चाहिए, इस मामले में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस जो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रही है, इस पर नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एक दलित महिला का चीर हरण हो रहा है और प्रशासन इसे प्रेम प्रसंग बताकर मामले को रफा दफा करने में जुटा हुआ है। राजद पार्टी ने पोस्टर के जरिए बताया अपना लक्ष्य। महागठबंधन में मौजूद राजद और जदयू के बीच चल रहे अंदरूनी रिश्ते की खबर अक्सर सियासी दुनिया में खबर में बनी रहती है। हाल में बिहार में मौजूद विपक्षी दलों के बीच यह खबर चर्चा में थी कि नीतीश कुमार ने अभी से ही तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कई बार यह भी देखा गया है कि राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं में तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम पद पर देखने की उत्सुकता रही है। अब कुछ ऐसे ही राजद का एक पोस्टर सामने आया है, जहां पार्टी ने अपने लक्ष्य को पहले से और भी साफ कर दिया है। बता दें कि विपक्षी एकता की कवायद कहीं न कहीं बिहार से ही शुरू हुई, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की। आरजेडी ने जो अभी पोस्टर साझा किया, उस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया है कि एक ही लक्ष्य एक विचार, राष्ट्र का गौरव बने बिहार। पोस्टर में लिखे इस लाइन से साफ हो गया है कि पार्टी का फिलहाल एक ही लक्ष्य है कि बिहार को राष्ट्र का गौरव बनाया जाए। इस पोस्टर में केवल लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का चेहरा ही नजर आ रहा, साथ ही प्रभावी तरीके से लालू प्रसाद यादव को दिखाया जा रहा है। इनके अलावा पार्टी में मौजूद मुख्य चेहरे और लालू परिवार, जिनका राजनीतिक दुनिया में भी दखल रह चुका है, जैसे राबड़ी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप, इनमें से किसी के चेहरे को नहीं दिखाया गया है। क्या इस वजह से रुका है नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार का मामला? एक बार फिर से मीडिया में नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा देखी जा रही। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक एक सप्ताह के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। हालांकि यह खबर पहले में से ही चर्चा में थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा दो मंत्री पद की मांग पर मामला अटका हुआ था। मालूम हो कि फिलहाल राजद के कोटे से दो मंत्री पद खाली है और कांग्रेस भी दो मंत्री पद की ही मांग कर रही। जब विपक्षी दलों की बैठक पटना और उसके बाद बेंगलुरु में हुई, इस दौरान भी कांग्रेस द्वारा जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार करने की सलाह दी जा रही थी। सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता विजय सिंह के मौत को लेकर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जहां यह बात बताया गया है कि नेता की मौत पुलिस के लाठीचार्ज से नहीं बल्कि हार्ट अटैक के कारण हुई है। उनका शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। इसे लेकर अब सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार सत्तारूढ़ दल से जुड़े हथियारे को साफ बड़ी करा सकती है, आजीवन कारावास पाए बाहुबलियों की रिहाई के लिए कानून बदल सकती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति विपक्षी दल का हो तो उसकी हत्या को हार्ट अटैक बताने वाली पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर सकती है। वहीं आगे उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जदयू एमएलसी के पुत्र रॉकी यादव को रोडरेज की चर्चित घटना में आजीवन कारावास की सजा से बरी कराने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में न पुख्ता सबूत दिए न ठीक से पैरवी की। सरकार बताए कि मई 2016 में आखिर व्यवसायी आदित्य सचदेवा की हत्या किसने की थी। पीएम मोदी के तंज पर तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर परिवारवाद को लेकर आरोप लगाए थे। अब इसे लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान जी से गले लग रहे हैं, वह क्या है? अजीत पवार, गोपाल कांडा, प्रफुल्ल पटेल, यह सब लोग फोटो में है, वह लोग क्या है? वह लोग क्या थे? अब आपको रिकॉर्ड कराने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला के पीछे खड़े हैं वह कौन है? उनके पिता जेल में थे ना, वह भी तो किसी के बेटे हैं। डिप्टी सीएम किसने बनाया? अजीत पवार और दुष्यंत चौटाला को चिराग पासवान, पारस जी, यह परिवारवाद नहीं है। मणिपुर में हुई घटना को लेकर मांझी ने कही ये बात। हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने मणिपुर घटना के समान हुई बिहार में हुई घटना पर दुख जताया है और बिहार सरकार का घेराव करने के साथ ही किया है। बता दें कि गरीब संपर्क यात्रा के तहत मांझी अररिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा है कि मामला बेहद शर्मनाक है, इस पर जरूर कार्यवाही होनी चाहिए। महिलाओं को बिहार में भी निर्वस्त्र घुमाने की घटना हुई है, उस वक्त क्या हुआ था, ये कलंकित करने वाले मामले हैं। वहीं मणिपुर की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि इस पर कार्यवाही होगी। मैं समझता हूं कि विश्वास करना चाहिए, पार्लियामेंट इस मामले को उठा रही है। नीतीश के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की चर्चा हुई तेज। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के फूलपुर से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की अटकलें एक बार फिर सियासी बाजार में चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल यह चर्चा का विषय इसलिए बन रही क्योंकि जदयू की उत्तर प्रदेश की इकाई ने नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने की मांग सामने रखी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मौजूद जदयू पार्टी का संगठन चाहता है कि नीतीश कुमार यदि यहां से चुनाव लड़ेंगे तो एक बड़ा संदेश जाएगा और पार्टी के साथ साथ विपक्षी गठबंधन को भी इससे मजबूती मिलने के आसार है। मेरी जानकारी के अनुसार यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में जदयू पार्टी के संयोजक सत्येंद्र पटेल द्वारा उठाया गया है। वहीं इसे लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव कहां से लड़ेंगे, इस पर अभी कहना जल्दबाजी होगी। चिराग ने पीएम मोदी के साथ बताए अपने रिश्ते। अभी हाल में ही एनडीए की बैठक के दौरान जब पीएम मोदी और चिराग की मुलाकात हुई तो जहां चिराग ने पीएम मोदी के पैर छुए तो वहीं मोदी ने चिराग को गले से लगा लिया। अब चिराग ने पीएम मोदी के साथ रिश्तों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को उनके साथ रिश्ता काफी गहरा है। प्रधानमंत्री उनके साथ तब खड़े थे जब वो काफी बुरे दौर से गुजर रहे थे। आगे उन्होंने बताया कि जब उनके पिता अस्पताल में थे तब पीएम मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर दिन में दो दो बार कॉल किया करते थे और हालात का जायजा लिया करते थे। साथ ही वे उनसे हाल चाल पूछने के साथ साथ डॉक्टर क्या सुझाव दे रहे हैं इसकी चर्चा भी करते थे। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो परिवार के तौर पर मेरे साथ खड़ा रहा तो क्या मैं सिर्फ चुनावी लाभ के लिए उनका विरोध करने लगता। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलों वाले सवाल पर भड़के अखिलेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी आरएलडी के सपा गठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ जाने की अटकलों को लेकर बयान दिया है। दरअसल पत्रकारों द्वारा जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव से यह सवाल किया गया कि चर्चाएं चल रही हैं कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, इस सवाल को सुनने के बाद अखिलेश यादव भड़क गए और पत्रकारों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकार भाइयों, ये चंडू खाने की गप मत चलाया करो। आपका तो लगता है कि कैमरा भी अच्छा है और मोबाइल भी अच्छा है, लेकिन आप चंडू खाने की गप क्यों चला रहे हो? लिहाजा अभी हाल में ही आरएलडी और सपा के बीच खटपट की खबर सामने आई थी। नीतीश को विपक्षी दलों का संयोजक नहीं बनाए जाने को लेकर शाहनवाज ने कही ये बात। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पटना की ओर रवाना हुए नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल भागलपुर में एक स्थानीय विवाह भवन पहुंचे शाहनवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सीएम नीतीश कुमार के प्रति वह सहानुभूति रखते हैं। मुख्यमंत्री ने बिहार में कांग्रेस के नेता सहित अन्य लोगों को स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ साथ लिट्टी चोखे का स्वाद चखाया, लेकिन बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनका अपमान किया गया। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को संयोजक बनाए जाने की बात हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें संयोजक भी नहीं बनने दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री का अपना मामला है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए पूरी तरह से तैयार है। देश प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से और आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा को सत्ता में लाएगी। वहीं उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत होगी। पीएम उम्मीदवार को लेकर नीतीश के करीबी मंत्री ने कह दी ये बात। जब से सीएम नीतीश द्वारा विपक्षी एकता की कवायद शुरू हुई थी तब से विपक्षी दल लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। अब इसी बीच नीतीश कुमार के बेहद करीबी और उनके मंत्रिमंडल में शामिल भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने पीएम कैंडिडेट को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। दरअसल जदयू कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि हम सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन यह तय करना विपक्षी एकता के नेताओं का काम है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि यह तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। प्रत्येक दल चाहता है कि
उनका नेता शीर्ष पद पर जाए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि वह प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है और न ही विपक्षी एकता के संयोजक बनने की चाहत है, लेकिन प्रत्येक दल चाहता है कि उनका नेता स्थापित हो और सबसे बड़ा पद उन्हें मिले। बेगूसराय कांड को लेकर गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर कह दी ये बात। बेगूसराय में दलित महिला को निर्वस्त्र कर पीटने की जो मामला सामने आया है, इसे लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि बेगूसराय के तेघरा थाना अंतर्गत पकटौल गांव में लड़की को निर्वस्त्र कर पीटा गया। अब इतनी जघन्य घिनौनी घटना की जिम्मेदारी लेने के नाम पर नीतीश कुमार समेत विपक्ष के तमाम लोग शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में मुंह गड़ा देंगे। अब न्याय की उम्मीद किससे करें और जब बिहार में कुर्सी की खातिर कानून व्यवस्था की बलि चढ़ा दी गई है। प्रशांत किशोर ने राजद पर साधा निशाना। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था पर कहा कि आज सभी लोग जानते हैं कि राज्य स्तर पर बालू माफिया कौन है। आज बिहार में एक दल के लोग हैं जो बालू माफिया का काम कर रहे हैं। पूरे राज्य को इन्होंने बालू के अवैध खनन का केंद्र बना दिया है। आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझे क्रिमिनल और क्राइम से लगाव नहीं है, मतलब तो यही हुआ कि ना कि बाघ ये कहे कि उसे मांस से लगाव नहीं है। आज इस देश में आरजेडी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग किस पार्टी में है? आज इस देश में क्राइम और क्रिमिनल से इतने जुड़े लोग देश किस पार्टी में है? हमसे अच्छा भोजपुरी बोलेंगे क्या? लेकिन तेजस्वी को न इंग्लिश आती है और न ही ठीक से भोजपुरी बोलनी आती है। उन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा लिखा नहीं और किसी भी विषय का कोई ज्ञान नहीं है। जब जनता तेजस्वी से रोजगार के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि भाजपा को रोको, और यह बोलकर वह लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आप कहते हैं कि शराब माफिया और बालू माफिया बहुत ज्यादा हो गए हैं तो तेजस्वी कहते हैं कि एक जातीय जनगणना करवा रहे हैं, ये काम करते नहीं है, बस नए नए मुद्दों पर अपनी बात रखकर बहानेबाजी करते रहते हैं। फिलहाल आज के राजनीतिक खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रनु गोलू कुमार, उमेश सिसदेव, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, अखिलेश यादव, कामेश्वर सिंह, असरफी मंडल। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पीएम मोदी के परिवारवाद वाले आरोप पर तेजस्वी यादव ने जो पलटवार किया है, इससे आप कितने सहमत हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।